Turn down for what? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो, वीवो और Xiaomi के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, कि कौन सा कंपनी है जो पहले आपको 10GB रैम का फ़ोन देने वाली वर्ल्ड का, कौन सा कंपनी है जो आपको 5G का सपोर्ट देने वाली है वर्ल्ड का पहला, और कौन सा ऐसा फ़ोन है जो 5G प्लस 10G, जी हाँ यानी कि 5G प्लस 10GB रैम का सपोर्ट देने वाली। फ्रेंड्स तो इसी बारे में बात करते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट मिलते रहें। तो फ्रेंड्स पहले बात की जाए ओप्पो के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ओप्पो जो है अपना वर्ल्ड का पहला 5G सपोर्ट का फ़ोन लेके आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ओप्पो ने ये वादा कर दिया है कि ओप्पो R15 जो 2019 का वेरिएंट आएगा उसमें आपको 5G सपोर्ट का भी मिलता है सिस्टम। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में लिखा गया है 5G प्रोटोकॉल लेबोरेटरी, जी हाँ ओप्पो, जिसने ओप्पो में टेस्ट किया था और बताया था कि 5G सपोर्ट से उनका वेबसाइट उन्होंने पहली बार ओपन किया है। जी हाँ, तो ओप्पो ने अगर अपना 5G सपोर्ट से अगर फ़ोन अपने लेबोरेटरी में ओपन कर दिया है तो वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन ये बनने वाला है जो 5G फ़ोन लेकर आने वाला है फ्रेंड्स मार्केट में। जी हाँ, तो फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि ओप्पो ने R15 के 2019 वेरिएंट में ये फ़ोन लाने वाला है। मुझे नहीं पता है कि इंडिया में क्या नाम से लॉन्च होगा, बट इतना पता है कि ये फ़ोन में सिर्फ 5G सपोर्ट भी नहीं होगा और भी ऐसे बहुत सारे फ्लैगशिप किलर्स मिलेंगे आपको और जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और एक फ्रेंड्स ये बात है कि क्वालकॉम के संग मिलकर ये कर रहा है, तो मेरे ख्याल से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 हो सकता है, क्योंकि बिना उसके हेल्प के 5G सपोर्ट जी हाँ नहीं हो सकता है। तो 855 मिलेगा, यानी कि फ़ोन जो है आपको एक्सपेंसिव होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि ओप्पो की तरफ से 32-35,000 के अंदर ही फ़ोन रखे। ज़्यादा अगर कॉस्टली पड़ता है तो फिर ये इंडियन मार्केट में चलना इसका प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा है ओप्पो के फाइंड एक्स को जितना प्रॉब्लम हुआ है इंडिया मार्केट उसको पकड़ने में, बाकी सभी फ़ोन ठीक हैं। तो फिर दूसरी खबर की बात की जाए तो वीवो ने भी ये प्रॉमिस कर दिया है कि 2019 अर्ली में वो 10GB रैम वाला फ़ोन लाने वाला है, जिसका नाम होने वाला है वीवो एक्सप्ले। तो मुझे नहीं पता ये फ़ोन कैसा दिखेगा, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ये फ़ोन ऐसा ही हो सकता है, दो कैमरास के बीच में, रियर कैमरास के बीच में आपको एक मिल सकता है फ्लैश, या फिर दो कैमरा ऊपर और एक नीचे फ्लैश, और आपको फुलिटी डिस्प्ले तो मिलेगा ही देखने में और बहुत कुछ स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे। तो देखते हैं वीवो क्या इसके संग 5G सपोर्ट का लाता है या फिर जस्ट वो 10GB रैम वाला फ़ोन ही लेके आता है। अगर वो 10GB रैम वाला फ़ोन भी लेके आता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव हुआ, क्योंकि ओप्पो वीवो से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है और इनोवेटिव जब से ज़्यादा ये कंपनीज आपकी जी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा Xiaomi रहती है। इसके बाद जो है मैं Xiaomi के ही न्यूज़ देने वाला हूँ, तो इसका कोई भी स्पेसिफिकेशन लीक नहीं हुआ फ्रेंड्स, जैसे लीक होता है मैं आपको तुरंत वीडियो बना के वीवो एक्सप्ले के ऊपर दे दूँगा। ओके, तो अपने दूसरी खबर की बात की जाए Xiaomi के ऊपर यानी कि MI के ऊपर, तो जी हाँ MI जो है अपना वर्ल्ड का पहला 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट लाने वाला है और अब वो इंडिया का नंबर वन ब्रांड जैसे तो वो है ही, और वो 10GB रैम वाला फ़ोन लेके आने वाला है, यानी कि वो डबल धमाका लेके आने वाला है 5G प्लस 10G। ये फ़ोटो जो है Xiaomi के ही मेंबर ने किसी ने ट्विटर पे दिया था, तो इससे ये बताया जा रहा है कि हाँ 5G प्लस 10GB रैम वाला फ़ोन बहुत जल्द आने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, और आगे की बात की जाए तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे भी सपोर्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसका भी कोई स्पेसिफिकेशन लीक नहीं हुआ, जैसे लीक होता है मैं तीनों फ़ोन के ऊपर एक एक करके वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा के दे दूंगा। ओके, जो 2019 का मिमिक्स 3 आया फ्रेंड्स, इसमें तो आपको बहुत कुछ ऐसे स्पेसिफिक मिलते हैं, लेकिन इसका जो 2019 अर्लीस्ट वर्जन आने वाला है उसमें आपको शायद 10GB रैम और 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि Xiaomi के मेंबर ने खुद कहा है कि आपको मिमिक्स 3 जो है 5G सपोर्ट के संग मिलेगा, क्योंकि अगर ये 5G लेके आएगा तो 100% ये 10GB रैम भी इसका वेरिएंट लेके आने वाला है 2019 में। तो ये पता नहीं, शायद 2019 से ओप्पो वीवो और Xiaomi कुछ ज़्यादा इनोवेटिव करें, लेकिन सैमसंग एप्पल का तो मैं बिल्कुल नहीं नाम लूँगा, लेकिन हाँ सैमसंग का मुझे नहीं पता है और ना ही बाकी कंपनीज़ का पता है कि वो क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स इस साल की और एक अच्छी बात मैं बता देता हूँ, Xiaomi ने अपने 100 मिलियन फ़ोन को जो है पूरी तरह से डिलीवर्ड कर दिया है हर घर में, जी हाँ इंडिया के अंदर, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। जी हाँ, इसलिए वो इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, और देखा जाए तो 10 करोड़ फ़ोन अभी तक उन्होंने हर घर को डिलीवर कर चुका है, तो बहुत ही बड़ी बात। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया तो इस वीडियो को कृपया लाइक कर दें, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दें, और हाँ मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।